सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 76 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने धरना स्थल पर साफ सफाई की। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा किए गए बैरिकेड्स के बीच में राकेश टिकैत ने झाड़ू मारी और पुलिस की तरफ से लगाए गए नोटिस वाले बैनर को भी साफ किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बैरिकेड्स के बीच झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रहे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने अपने गमछे से पुलिस द्वारा लगाए गए नोटिस बैनर को भी साफ किया। उन्होंने नोटिस बैनर को साफ करते हुए कहा कि हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इसे भी साफ करना जरूरी है। कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये कहेंगे हमारा फाइट भी हम कर रहे हैं इसके साथ भाई। लेकिन टिकैत साहब, आपको नहीं लगता है कि फोटो को लोग देखेंगे तो कहेंगे ये तो मोदी जी की तरह से कुछ? बता दें कि आज किसान आंदोलन को 76 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में किसान अपने धरना स्थल पर साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज राकेश टिकैत ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। मैं